शनिवार उधम सिंह नगर के खटीमा सीमान से जहां सीमान खटीमा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड नेता प्रतिपक्ष एवं बाजुपुर से विधायक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्या ने जिला पंचायत सदस्य अरविंद कुमार के आवास पर सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस खटीमा में स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान प्रेस वार्ता के समय जब पत्रकारों के द्वारा प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे को लेकर जब यशपाल आर्य से प्रतिक्रिया मांगी गई तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, हम चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं, ऐसे में आज प्रधानमंत्री का दौरा है, हमें प्रधानमंत्री के दौरे से बहुत सी अपेक्षाएं हैं। प्रदेश के कई मुद्दे हैं जिन पर ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। सीमान क्षेत्र में टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा सवाल है जो कि उत्तराखंड के तराई क्षेत्र को पहाड़ से जोड़ने हेतु एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और भी कई बड़ी अपेक्षाएं हैं। प्रदेश आपदा से पीड़ित है, किसान परेशान है, इन सब के बारे में प्रधानमंत्री क्या निर्णय लेते हैं यह देखना होगा। अब हम यही इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री प्रदेश की जनता के लिए क्या घोषणाएं करते हैं, उसके बाद ही हम कोई सही प्रतिक्रिया दे पाएंगे। वहीं में नानकपंथा विधायक गोपाल सिंह राणा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष रवीश भटनागर, राजकिशोर सक्सेना, राशिद अंसारी, बॉबी राठौर, विनोद चंद, मान सिंह, जसविंदर सिंह, पप्पू, अरविंद कुमार, बलदेव सिंह, नरेंद्र आर्य, मेहंदी हसन, बाबूद्दीन दान सिंह राणा, नवीन जोशी, उमेश प्रजापति, राजू सोनकर, नासिर खान के साथ अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चुनाव बहुत करीब आ चुका है, हम चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं और प्रधानमंत्री के दौरे से बड़ी अपेक्षाएं हैं। अभी कुछ कहना बेमानी होगा क्योंकि आज शाम तक उन्होंने क्या घोषणाएं की है, पहले भी हमने देखा घोषणाएं बहुत हुई है लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, न कोई धनराशि अवमुक्त हुई है। लेकिन फिर भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री टनकपुर से लेकर टनकपुर जो हमारा बागेश्वर रेल लाइन का बहुत पहाड़ उतराई को पहाड़ से जोड़ती है, ग्रीन बॉर्डर्स की हम बात कर रहे हैं, आपदा से प्रभावित प्रदेश है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री क्या घोषणा करते हैं, क्या इतना धनराशि अवमुक्त करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री का इस मामले में क्या दृष्टिकोण है।